खास मुलाकात में आज लंदन वाले राजा बाबू हैं। आप तो जानते ही होंगे, आप सबका शुक्रिया, लंदन में है और पढ़ाई में व्यस्त है, इसलिए मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन नए साल पर ये जानने की हमने कोशिश जरूर की है कि लंदन आखिर कैसा है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। राजा, स्वागत है अम्बेडकर नामा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और मैं फिर से नए साल में यहाँ पे अम्बेडकर नामा के दर्शकों से, और शायद मेरी फेस टू फेस आपसे पहली बार बात हो रही है जब से मैं लंदन आया हूँ, तो सर अच्छा लग रहा है देखकर आपको। चलिए, मैं लंदन गया नहीं हूँ लेकिन लंदन से मैं अपरिचित नहीं हूँ। काशी प्रसाद जसवाल पे मैंने पीएचडी की थी, उस समय वो लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उन्होंने वकालत की वहां से, और उसके बाद वहां से हिस्ट्री में भी एमए किया उन्होंने, और चाइनीज में भी उन्होंने चाइनीज भाषा सीखने के लिए पहले इंडियन थे जिनको फेलोशिप मिला जी। तो कहने का मतलब यह है कि लंदन कैसा है, क्या है, कैसा लग रहा है आपको? एक ट्रैवलॉग लिखना बहुत जरूरी होता है, उसको संस्मरण पूरा लिखना। मैं बता सकता हूँ कि वहाँ स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है, बैंक कहाँ पे है, मेन लंदन का वो काशी प्रसाद जसवाल ने 1905-6 में सारा लिख दिया था, 5-6 में। कैसा लग रहा है लंदन? दो परिप्रेक्ष्य में मैं इसका जवाब दूंगा। पहला तो आपने एक ट्रेवलर की नज़र से कैसा होता है शहर, या कोई व्यक्ति किसी दूसरे शहर से किसी दूसरे शहर में जाता है तो कैसा होता है शहर, उस पक्ष से भी जवाब दूंगा। और दूसरा, क्योंकि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और पार्टिकुलरली पर्पस से रह रहा हूँ, तो उसको भी उस नज़रिया से भी देखूंगा। लंदन सर बहुत पुराना शहर है, इसका पुराना इतिहास है, आप जानते ही हैं, कोलोनियल पीरियड से भी पुराना इसका इतिहास है। एक तरीके से लंदन आप कह सकते हैं कि दुनिया भर लोगों का एक जमावड़ा है। मतलब जैसे हम लंदन में देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक पार्टिकुलरली रेस के लोग होंगे, वाइट पीपल होंगे, ऐसा नहीं है। बहुत ही इंक्लूसिव शहर है, जैसा मैं देखता था यहाँ पे, पहले जानता था कि यहाँ पे वाइट लोग रहते, ऐसा नहीं है। मल्टीकल्चरली सिटी है जिसमें विभिन्न विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, दुनिया भर से लोग रहते हैं, तो ऑब्वियसली इस शहर को बहुत ही मल्टीकल्चरल शहर कह सकते हैं। दूसरा कि क्योंकि बहुत पहले से इस शहर को अच्छा बनाने की कोशिश की गई है, तो वाकई बहुत डिसिप्लिन शहर है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे तरीके से फॉलो होता है, और पर्टिकुलरली मुझे तो लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत पसंद आया। तीसरा, शहर जैसा होना चाहिए, शहर जैसा होना चाहिए, मतलब शहर में सबके लिए स्पेस होना चाहिए, हर व्यक्ति के लिए जगह होना चाहिए। जो सपने देख करके आते हैं शहर में, शहर इसीलिए बनाया गया है कि बहुत सारे सपने जो कहीं और विलेज साइड में, कंट्री साइड में पूरा नहीं होता है, तो आप शहर में आते हैं उसको पूरा कर सके। तो बिल्कुल लंदन वैसा शहर है जो आपके सपनों को पॉलिश तो करता ही है, हर तरह के व्यक्ति के लिए स्पेस है। तो मुझे सर लंदन में दो तीन चीज जो पसंद आया है, उसमें से एक ये है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जिससे मैं आया हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ। और दूसरा, यहाँ का जो पूरा ट्रेवलिंग का जो पूरा सिस्टम है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया गया है, मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे बेस्ट, मैं जितना स्टडी कर रहा था यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसलिए क्योंकि आज तक मैंने यहाँ पे किसी गाड़ी जो चला रहे होते हैं उसका हॉर्न नहीं सुना, किसी ने हॉर्न नहीं बनाया, इतना डिसिप्लिन शहर है, मतलब सब अपने अपने नियम से पालन कर रहे होते हैं। दूसरा, हर आधे घंटे में, हर पंद्रह मिनट के अंदर में आपको ट्रेन मिल जाएगी, आपको मेट्रो जिसको बोलते हैं उसी टाइप का ट्यूब होता है, वहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको पता होगा सर कि सबसे खूबसूरत और सबसे डिफिकल्ट जो चीज़ है वो है ड्राइविंग लाइसेंस लेना। मतलब जैसे इंडिया में एसएससी का एग्ज़ाम पास करते हैं लोग, वैसे एसएससी का एग्ज़ाम जैसा इनका ड्राइविंग लाइसेंस का एग्ज़ाम होता है, तो बड़ा डिफिकल्ट है ड्राइविंग लाइसेंस लेना। उसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, लगभग 6 महीना पढ़ाई करनी होगी, अच्छे से कोचिंग लेना होगा, तब आप जाके ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। इसकी मूल वजह यह है कि सड़क जो है वो सबका है,
और जो सड़क सबसे पहले उसका है जो सड़क पे चलता है, चलता है मैंने पैदल चलता है, तो उससे किसी का नुकसान नहीं हो। इंडिया में आप जानते हैं कि हर साल 10 लाख से अधिक लोग सड़क पे मरते हैं, यहाँ पे बमुश्किल से 100 से 200 के आंकड़ा पार होता होंगे। तो मुझे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत पसंद आया। बाकी लोग बहुत इंट्रोवर्ट है, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, डिसिप्लिन है आपके तरह, जैसे मैंने वहाँ पे सीखा है कि अगर आपको कोई अगर वाइट लोग बोले कि 9 बजे आ रहे हैं तो 8:58 में आपके पास वो खड़ा रहेंगे। तो मतलब ये सब चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें जो है मुझे अच्छा लग रहा है सीखने को, पसंद आ रहा है जी सर। दूसरा कि जैसे आपने पूछा कि आपने रिसर्च किया है पार्टिकुलरली काशी प्रसाद जायसवाल पे, और काशी प्रसाद जायसवाल जितना मैं जाना हूँ आपसे, आपकी किताबों से जाना हूँ, और आप जितना बताते हैं मुझे उनसे जाना हूँ, तो मुझे एक मुझे थोड़ा ट्रेवलॉग का जो हिस्ट्री है लिखने वाले उनसे मैं परिचित हूँ। इंडिया में जब था तो उस समय राहुल संकीर्तन को भी पढ़ा हूँ, काशी प्रसाद जैसा के माध्यम से भी पढ़ा हूँ। दूसरा कि निर्मल वर्मा बहुत ट्रेवलिंग किया करते थे, उनके उनकी कई किताब है वेदीन जिसको मैं पढ़ा हूँ, और सारे कुछ कुछ वेस्टर्न और खास करके यूनानी लोग जो इंडिया में आए वास्को डिगामा से लेकर के मुगल पीरियड में, तो उसका मुझे पता है। तो एक नए शहर में जब कोई बाहर से व्यक्ति आता है किसी दूसरे जगह से, तो वो कैसे नए शहर को देखता है, इसका मुझे थोड़ा सा आइडिया, तो मैं भी उस तरीके से देखने की कोशिश करता हूँ। ये काम पहले ब्रिटिशर किया करते थे कि इंडिया में जाएंगे वो दिल्ली को देखेंगे और दिल्ली पे किताब लिख देंगे, फिर वो बिहार पे जाएंगे, बिहार में हाँ। तो ये काम जो पहले कोलोनियल पीरियड में, उससे पहले भी जब यूनानी लोग इंडिया में आते थे, और इवन कई मुस्लिम जो एम्पायर था उसके बीच में बहुत सारे ट्रेवलॉग आए, बहुत सारे ट्रेवलर आए, उन्होंने किताब लिखी। तो ये पहले इंडिया के लोग नहीं किया करते थे, इंडिया में जो लोग आते थे वो लोग किया करते थे। आज़ादी के पीरियड में जब आज़ादी का आंदोलन चला और उसके बाद ये थोड़ा बदला है, इंडियन लोग देखते हैं कि दूसरे शहर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उस नजरिया से मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब लंदन को अगर ट्रेवलर की तरह से देखा जाए, तो बाकी यहाँ का जो लिटरेचर है, जो आर्किटेक्चर है, या जो यहाँ के लोग हैं, बहुत मेहनत से, बहुत मतलब एक जो सिविलाइजेशन है उस हिसाब से अपने आप को बहुत मजबूत बना के रखा है। इंडिया के हिसाब से कंपेटिबली कुछ मामलों में ये लोग बहुत आगे हैं। और दूसरा कि एस्थेटिक्स, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, फिलोसफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, उस मायने में बहुत आगे है, और इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है सर। नहीं, अभी तो पढ़ाई पे हम अभी बाद में आएंगे, पहले ये बताइए लंदन में आपने घूमा कहाँ कहाँ है अपने अध्ययन के अलावा। बहुत 2 महीना, क्योंकि एकेडमिक की काम में बहुत ज़्यादा व्यस्तता होती है, बहुत डिसिप्लिन तरीके से पढ़ा जाता है, इतना मैं डिसिप्लिन था नहीं जितना डिसिप्लिन यहाँ पे हो गया हूँ, तो बहुत कम घूमने को मिला है। लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रिटिश लाइब्रेरी जो पहले से ही सोच के आया था उसमें गया हूँ, उसमें बहुत सारी किताबों को जो कॉलोनियल पीरियड में बहुत सारे लोग थे उनको ढूंढने की कोशिश किया हूँ। दूसरा मुझे लंदन ब्रिज बहुत पसंद आया, आप बहुत देखते होंगे मूवी में बहुत सारे चीज़ें। तो जब मैं यूनिवर्सिटी से आता हूँ 10 बजे से 11 बजे, तो मेरे रास्ते में पड़ता है, ट्रेन जब चेंज करना होता है तो वहाँ पे मुझे 5 मिनट के लिए मैं चले जाता हूँ नदी के किनारे लंदन ब्रिज के पास में। तो वो बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पे लोग बहुत सारी कविताएं लिखते हैं, बहुत सारे फिलोसफिकल डिस्कशन होते हैं, उसके पास में ही इंटेलेक्चुअल क्लब है, तो एक इंटेलेक्चुअल क्लब में भी मुझे जाने का मौका मिला, जहाँ पे मेजरली यहाँ पे जो मेयर है सादिक खान, वो कभी कभी संडे को आते हैं, डिस्कशन करते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन होता है। फिर उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला। और इसके अलावा सर बहुत ज़्यादा तो नहीं घुमाऊँ, लेकिन कुछ कुछ और लाइब्रेरी है, जैसे IAS लाइब्रेरी है, मैं ज़्यादातर लाइब्रेरी में गया हूँ। तो शहर बहुत ज़्यादा नहीं, जो आते जाते मुझे जो दिखा है वही मैं देख पाऊँ, लेकिन कोशिश करूंगा अगर समय मुझे मिला तो
तो मैं देखूंगा। चलिए नहीं, अभी तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और जब समय मिले तो डायरी लेके पूरा लंदन और आसपास गांव में भी जाइए। काशी प्रसाद जैसे वाले गांव में गए थे, वहां रहे थे, वहां महाराजा बनारस का कुआं है, मैं गांव का नाम आपको भेज दूंगा, उस कुएं की हालत देख के आप बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, वहां से 20 मिनट लगता है लंदन से। स्टोपरो नाम का गाँव है शायद, उन्होंने लिखा है क्या 20 मिनट लगता है सारा कुछ। अच्छा, वो मैं व्हाट्सएप आपको भेज दूंगा। गांव में गए थे, वहां ठहरे थे और वहां महाराजा बनारस ने बनवाया था पूरा कुआं वहां पे, तो उसी अच्छा। नाम से उन्होंने लेख लिखा था। तो एक बार उसके आसपास गांव में जाके दो चार दिन आप घूमिए, वहां से कुछ वीडियोज भी बनाइए, भेजिए जरा हम लोग की यात्रा करें यहाँ बैठे बैठे दिल्ली में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पढ़ाई क्या दिनचर्या है और भारत के एजुकेशन सिस्टम में और वहां में क्या अंतर? पढ़ाई सर, दिनचर्या ये है कि अभी तो क्रिसमस और नए साल जो होता है यहाँ के लिए एक ही त्योहार है जो 7 दिन का होता है, तो पूरा लंदन एक तरीके से त्योहारों में झूमा होता है। तो ये जो इस महीने का जो 7 दिन था वो छुट्टी था। लेकिन उससे पहले सर, जैसा मैंने बताया कि मेरी भी बात बहुत कम आपसे हो पा रही थी, तो बहुत ज़्यादा इंगेज रखते हैं टीचर क्लास के अलावा, क्लास के अंदर में जो बताते हैं उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा रीडिंग्स पढ़ना होता है और उसके बाद फिर आपको क्लास में परफॉर्म करना होता है, उसके बाद फिर एकेडमिक, क्योंकि LLM है तो जो लीगल राइटिंग्स है और जो एकेडमिक्स राइटिंग्स है उसके क्या क्या नुस्खे है, क्या क्या रूल्स है, वो बहुत अच्छे तरीके से फॉलो होता है। तो मुझे, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे पढ़ाई जो पिछले 2 महीना में हुआ है उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, और दूसरा ये कि बहुत एकेडमिक चीज़ों को बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस में लिया जाता है। मतलब कुछ कहीं से कोट कर रहे हैं तो उसको बहुत ध्यान में रखा जाता है। जैसे आप इंडिया में एक बात कहा करते थे कि बहुत सारे प्रोफेसर का अगर प्लेगरिज्म चेक हो तो वो ऑफिस में प्रिंसिपल नहीं होंगे या वाइस चांसलर नहीं होंगे, वो जेल में होंगे। सीरियसली, कोई एक वर्ड अगर कहीं से आप उठा रहे होते हैं किसी का तो उसका क्रेडिट आपको देना होता है। ये चीज़ हमने यहाँ पे आके सीखा है, तो इसलिए बहुत ध्यान से जब आप एसे लिखते हैं, जब कोई पेपर पब्लिश करवाते हैं, जब कोई आर्टिकल लिखते हैं, जैसा कि मैंने 1-2 आर्टिकल लिखा है, पेपर पब्लिश पे डाला है, तो वो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। तो एकेडमिक चीज़ों को बहुत सीरियसली में लिखा जाता है, किसी का जो इंटेलेक्चुअल चीज़ें हैं उसको आप चुरा नहीं सकते हैं, उसका क्रेडिट है तो उसको आपको देना पड़ेगा। तो ठीक है, मतलब एज ए लॉ के परस्पेक्टिव से मुझे बहुत कुछ सीखने को 2 महीने में मिला और आने वाले दिनों में और सीखूंगा। दूसरा, आपने कहा कि जो पूरा इंडियन जो एक एजुकेशन सिस्टम है और जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा बतलाइए। देखिए सर, आप ये मान के चलिए, इसमें थोड़ा सा मुझे हिस्ट्री में भी जाना पड़ेगा इसलिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत कम समय में मैं इसको बता नहीं सकता हूँ। लेकिन जो आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी का जो कंसेप्ट है, ये मान के आपको चलना पड़ेगा, जैसा अभी है वो बेस्ट का कंसेप्ट है, उसने आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट दिया। हालांकि ओरिएंटल हिस्ट्री में भी ऐसा है, इंडिया में भी बहुत सारे स्कूल थे, यूनिवर्सिटी थे, लेकिन उसका फॉर्म अलग था। अभी जो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी, वो इंडिया में एग्जिस्ट करती है, दुनिया भर में, वो बेस्ट का देन है, ये मान के चलना पड़ेगा। तो इन्होंने जो आपका, हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत नया है, इन्होंने ही खोला है, मतलब वाइट लोगों ने ही खोला है, तो यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छा बना के रखा है और अच्छा समाज से जोड़ करके रखा है। ज्ञान को, हर दुनिया भर में जो ज्ञान होता है उसको संरक्षित करके रखा है, उसको डॉक्यूमेंट करके रखा है और ज्ञान को रिलेवेंट बना के रखा है। इसमें स्टेट का भी योगदान है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उसका भी योगदान है, और ख़ास करके जो कॉमन लोग हैं उनका भी ट्रस्ट है कि हमें यूनिवर्सिटी से बहुत कुछ मिलेगा। ये ट्रस्ट बना हुआ है वेस्टर्न एकेडमिया में खास करके। तो जो ज्ञान का जो प्रोडक्शन है और जो इस प्रोडक्शन में जो लोग लगे हुए हैं, टीचर, स्टूडेंट या उसके स्टाफ या जो भी ऑफिसर्स से लगे हुए हैं, उनमें लोगों का एक ट्रस्ट भी है और वो अच्छा कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा कर, अपने एरिया में ठीक ठाक बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे।
और वो ट्रेंड भी कर रहे हैं स्टूडेंट को अपने हिसाब से, ठीक ठाक ट्रेंड भी कर रहे हैं कि अगर कोई टीचर ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बहुत अच्छा डिग्री हासिल किया या बहुत किसी एक पार्टिकुलर एरिया में नॉलेज गेन किया, तो उसी हिसाब से स्टूडेंट को ट्रेन भी करेंगे, अपना स्कॉलरशिप प्रोड्यूस करके एक नया व्यक्ति को तैयार भी करेंगे। आप देखेंगे यहाँ बहुत ट्रेडिशन था, पहले तो ये यूनान में ट्रेडिशन था कि अरस्तु होगा तो प्लेटो भी होगा, फिर सिकंदर भी होगा, या उससे पहले जितने भी उनका ट्रेडिशन था तो वो चलता था। ये ट्रेडिशन उठ करके वेस्ट में आया और वेस्ट में बहुत सारे स्कॉलर अपने जैसे स्कॉलर प्रोड्यूस करते हैं। उनका काम ही ऐसा होता है कि जो मैंने सीखा है उसको ट्रांसफॉर्म करना, किसी दूसरे में देना। चाहे कई शुरू में तो ऐसा होता था कि अपने बेटों को देते थे, बहुत सारे लोग आप देखेंगे जेएस मिल वगैरह सब है, उनके फादर भी बहुत बड़े स्कॉलर हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये ट्रेडिशन बदला, अपने बेटे के अलावा भी जो उनके स्टूडेंट है वो देंगे। ये वेस्टर्न एकेडमी अभी फॉलो कर रहा है, अच्छे तरीके से फॉलो अप कर रहा है, जो भी पीएचडी करेंगे तो उसको अच्छे तरीके से ट्रेन करेंगे अपने हिसाब से। तो मुझे ये बहुत अच्छा चीज लगा जो कि लैक कर रहा है इंडिया में। दूसरा कि थ्योरी पे जो काम होता है यूनिवर्सिटी, क्योंकि ज्ञान का संरक्षण भी है, ज्ञान का प्रोड्यूस भी करता है, तो थ्योरी पे जो काम होता है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं ये लोग। अब जैसे आपको पता होगा कि पिछले साल ही अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज मिला, तो अभिजीत बनर्जी का इंडिया में और बिहार में भी लैब था, पॉवर्टी लैब था, वो काम एक्सपेरिमेंट इधर इकोनॉमिक्स में थ्योरी पे भी काम कर रहे थे और लैब पे भी काम कर रहे थे इंडिया में पॉवर्टी के ऊपर, किस तरीके से पॉवर्टी वर्क करता है। वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर है वो काम करते हैं अपने एरिया में थ्योरी लेवल पे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उनका कहीं अफ्रीका पे काम होता है, कहीं इंडिया पे काम होता है, कहीं पाकिस्तान पे काम होता है, कहीं अमेरिका पे काम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ प्रैक्टिकल लेवल पे भी ये लोग कुछ अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब ठीक उल्टा उल्टा उठा करके देख लीजिए, जो मार्क्स का ट्रेडिशन था कि वो लिखती थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखे भी है और कई पार्टी भी बना करके उसको फैलाने की कोशिश की, ठीक। मतलब उसके आगे अगर आप एग्जाम्पल मैं आपको लेकर के इंडियन रिलेवेंस में लेकर के अगर आऊँगा, तो जैसे सर ये जो पूरा अम्बेडकर नामा का एक आपका आप थ्योरी लेवल पे जो इतिहास पढ़े अपने जीवन में और पढ़ाते हैं, और उसके बाद जो आपने सीखा, जो ऑब्जर्व किया और एक इंटेलेक्चुअल गैप को ढूंढा कि डॉक्टर अंबेडकर को जितना पढ़ा आपने और इतिहास को जितना पढ़ा, उसमें इतना पढ़ा कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे जो पॉलिटिक्स होती है उसमें एक गैप ये है कि उनके नाम को जपते बहुत है लेकिन उनके आइडिया को आगे नहीं बढ़ाते हैं। इस गैप को आपने पढ़ा, जाना, समझा और फिर इसको आप प्रैक्टिकल वे में लेकर के अंबेडकर नामा का पूरा एक बड़ा इंस्टीट्यूशन खोला और इसको फिर आप ले गए लोगों के बीच में कि देखो ये सोशल जस्टिस का जो पूरा मोमेंट है जिसको डॉक्टर अंबेडकर 21वीं सदी में कैरी ऑन किए हैं, उसमें एक बड़ा गैप है, बड़ा लैग ये कर रहे हैं कि आप डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे जपते हैं बहुत लेकिन आप उनके बारे में क्या बोले वो जानते नहीं हैं। तो इसको आपने राइटिंग से, इसको आपने कई तरीके से, भाषण से, पॉलिटिकल कंटेम्प्रेरी इशू से रिलेवेंट करके लोगों को बताया, उसका फिर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी आगे आप ले गए। तो ठीक, मतलब जो ट्रेडिशन वहाँ पे, ये बहुत कम प्रोफेसर मतलब इंडिया में करते हैं, मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ क्योंकि मेरा आप जानते इंडियन एकेडमिया से भी ठीक ठाक लगा, आप JNU, DU, हैदराबाद, ये तमाम सारी यूनिवर्सिटी को मैं ठीक ठाक ढंग से जितना जानना चाहिए मेरे लिए उतना मैं जानता हूँ। तो ये प्रोफेसर, इंडियन प्रोफेसर लैग करते हैं कि वो जो सीखते हैं, क्योंकि उनको जो पैसा मिलता है वो एक तो उनका ड्यूटी भी है और उनकी अपनी जीवन का एक मकसद भी यही होना चाहिए, मतलब मुझे मैं मकसद उनका डिसाइड नहीं कर रहा लेकिन होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में रहते हैं तो आप जो थ्योरी लेवल पे जो सीखते हैं उसको ग्राउंड पे भी इम्प्लीमेंट करें और समाज में कुछ ऐसा चीज प्रोड्यूस करें जिसको समाज की जरूरत है या जरूरत होने वाली है। तो ठीक, मतलब जैसे अंबेडकर नामा आपका एक बहुत प्रयोग है, प्रयोग के साथ साथ वो एक सफल प्रयोग भी है जिस गैप को आपने पहचाना, वैसे ठीक यहाँ के एकेडमिया के जो प्रोफेसर है वो करते हैं इन चीज़ों को, वो है कहीं का भी लेकिन किसी नए एरिया में जा करके वो चीज़ों को शुरू करेंगे, अपने आइडियाज़ को, अपने थ्योरी को प्रैक्टिकल पे ले आएंगे। ये बहुत मुझे खूबसूरत चीज़ लगा।
तो ये तो मैं मतलब इंडिया में जब था तो वो आपके साथ जब काम कर रहा था तो उस बात को मैं वहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल लेवल पे समझ रहा था, यहाँ पे मैं जब आया हूँ तो उसको थ्योरी लेवल पे भी समझ रहा हूँ अच्छे तरीके से। तो ये मेजर डिफरेंस है कि समाज से यहाँ का विश्वविद्यालय जुड़ा हुआ है, नॉलेज सिस्टम को लेकर के बहुत ही कंसर्न है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे किस चीज़ को रखना है और फिर उसको रिलेवेंट बना के रखना है। दुनिया में क्या स्कॉलरली गैप है उसको भी पहचानना है सही तरीके से कि इस एरिया में काम नहीं हुआ है तो हम काम करके देंगे, गवर्नमेंट को समाज से इसका फायदा होगा। एक लास्ट एग्जांपल के साथ, क्योंकि इंडियन लोग देख रहे हैं और उनको अपने यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए और यहाँ की यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए, तो मैं एक लास्ट एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूँगा कि जो नॉलेज का फ्रीडम है वो कैसे मायने रखता है। कोई भी व्यक्ति जो कुछ बोलता है उसका यूनिवर्सिटी कैसे रिएक्ट करना चाहिए और सोसाइटी को कैसे रिएक्ट करना चाहिए उसके एग्जाम्पल मैं देता हूँ। शशि थरूर का सर एक स्पीच हुआ था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2 साल लगभग पहले में, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटिश यूके में है और यहाँ पे आकर के उन्होंने मतलब गाली शब्द का इस्तेमाल तो नहीं लेकिन ठीक ढंग से गोरे को कहा कि 200 साल में आपने बहुत कुछ लूटा है, और 200 साल का उन्होंने हिस्ट्री बताया, सब कुछ कहा। आप आए इंडिया से और आप यूके में आके बोल रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी आपको यहाँ की यूनिवर्सिटी फ्रीडम देती है कि आप कहीं से भी आइए, आप कुछ भी बोलिए और क्या बोलिए, आपके आइडिया से डिसेंट रख सकते हैं लेकिन आपको मारेंगे पीटेंगे नहीं। यही आप देखिए, अगर DU, JNU, बनारस यूनिवर्सिटी में इस बात पे अगर कोई व्यक्ति बोले इंडिया में कि 200 साल का इतिहास हटा दीजिए, 2000 साल का इतिहास किसी पार्टिकुलर कास्ट का कोई बता दे कि आपने क्या किया है, तो बवाल हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उसी से हो सकता है कुछ ऐसा चीज निकल करके आ जाए जिससे समाज में बहुत बारीकी से कुछ परिवर्तन आ जाए। तो यूनिवर्सिटी को वो स्पेस मिलना चाहिए जो स्पेस आप शशि थरूर जी ऑक्सफोर्ड में आके उम्मीद किए हैं, आपके यहाँ जो यूनिवर्सिटी है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी है, वो स्पेस मिलना चाहिए जिसमें तमाम बातों पे रेडिकलाइज तरीके से भी और डीरेडिकलाइज तरीके, दोनों तरीके, रिएक्शनरी तरीके से भी चर्चा हो मर्यादा के साथ, मतलब डिसिप्लिन के साथ। तो ये फर्क है सर जी। चलिए, शुक्रिया राजा, और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और आप जितना अच्छा पढ़ेंगे हम लोगों को खुशी होगी, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी थोड़ी तैयारी कीजिए। तो कैसे जाना, अगले एपिसोड में जब आपसे मिलेंगे तो एक दिन विदेश में कैसे पढ़े इसी पे पूरी चर्चा होगी। शुक्रिया, और थोड़ा सा और तमाम ध्यान रखिए, और फिर आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात करता हूँ जी। शुक्रिया, थैंक यू।